बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। अल्लाह की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज के अपना वीलोग कहते हैं जी शुरू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया होगा, कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो जी आज है जी सर मंडे का दिन, लास्ट वाले वीलोग में आपने देखा पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था जिसमें पाकिस्तान बहुत ही बुरे तरीके से हारा। अफसोस हुआ इस बात का और काफ़ी एक बैड सा सीन रहा, बैड सा मैच रहा, इतना कोई मज़ा नहीं आया। रात 12 बजे तक जाके मैंने फर्स्ट टाइम था जब मैंने इतनी देर तक पाकिस्तान का मैच देखा। नहीं मैं तो अक्सर मैच देखता नहीं, मुझे शौक़ नहीं है मैच का। तो जी वो हार गया, चले कोई बात नहीं। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि मेरा जो फ़ोन था वो ख़राब हो गया। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। मेरा फ़ोन ख़राब हुआ हुआ था, इसका पैनल का कोई इशू बन गया हुआ था। तो मैं आया हुआ था फैसलाबाद अपने मामू के पास, तो मैं यहाँ पर सर्विस सेंटर है उनका, यहाँ पर ना सिटी में इन्फिनिक्स और टेक्नो वगैरह का ना सर्विस सेंटर है। तो मेरा मोबाइल है इन्फिनिक्स नोट 10, तो इसका उधर चेक करवाने गए तो उन्होंने कहा ये ठीक हो जाएगा, इसको 2-3 दिन लगेंगे। तो मैं 2-3 दिन से यही था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। आज फाइनली लास्ट दिन है, यहाँ से वापस जा रहा हूँ जी अपने घर को। और वो पीछे मेरी बाइक खड़ी हुई है, आप लोग देख सकते होंगे। तो बस अभी निकल रहा था तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, बस अभी निकलते हैं और रास्ते के सीन आप लोगों के साथ करेंगे जी शेयर। और लास्ट वाली जो मेरी पत्तों की मेले वाली वीडियो थी उसको ऊपर आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच यार। हर वीडियोस के ऊपर इतना प्यार दिखाया, उसके ऊपर आई थिंक 1.1 के व्यूज़ आए हैं, उनमें से आई थिंक 40-50 लोगों ने लाइक किया। यार वीडियो को लाइक कर दिया करें, कोई मसला नहीं था, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे व्यूज़ और लाइक सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, 93 पॉइंट जो व्यूवर्स थे हमारे उस वीडियो के ऊपर, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो यार सब्सक्राइब करो, कोई मसला नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करोगे हमारी जैसे ही न्यू वीडियो आएगी आपका उसको भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप इजीली वो हमारी वीडियो भी देख सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना व्लॉग, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। और बस अभी निकलते हैं यहाँ से और आपको रास्ते के सीन वगैरह दिखाएँगे, क्या सीन होने वाले हैं। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। मैं रास्ते में आया हूँ और एक बहुत ही बैड न्यूज़ है, बैड सीन हो गया रास्ते में। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो कल वाली अपनी वीडियो बनाई थी ना पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच की जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैं अपलोड करके अभी आ रहा था। तो अपलोड हुई है, थोड़ी देर बाद मुझे ना एक मैसेज आया, ईमेल आई। मैंने कहा ईमेल, मैं रुक के ईमेल पढ़ने लगा तो वो ऊपर आ रहा था कॉपीराइट स्ट्राइक फॉर स्टार स्पोर्ट इंडिया की तरफ से, उस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। ये मुझे पता नहीं चला क्यों आई है, किस वजह से, क्योंकि सारी की सारी वीडियो शुरू से लेके एंड तक मेरी खुद की वीडियो मैंने अपलोड की थी, कोई क्लिप नहीं अंदर किसी का यूज़ किया। स्टार स्पोर्ट इंडिया वाला ने पता नहीं कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर। तो वो वीडियो फ़िलहाल तो मैंने अपने चैनल से डिलीट कर दिया। बाकी अभी मैं घर पहुंच के यूट्यूब टीम से बात करूंगा कि किस वजह से उन्होंने मेरी उस वीडियो के ऊपर स्ट्राइक भेजी है, क्योंकि वो सारी की सारी वीडियो मेरी खुद की है। बाकी खैर, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखने तो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाके आप लोग देख सकते हैं, फुल वीडियो वहाँ पर भी मौजूद है। बड़ी ही कमाल की मज़े की वीडियो बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मैं वो भी सॉल्यूशन करता हूँ उसका, क्या हाल होता है यार, बहुत बहुत दुख हो रहा है। मैंने एक ब्लॉग देख रहा था डक्की भाई का, उन्होंने भी वो गए थे दुबई, और दुबई में जाके उन्होंने स्टेडियम से मैच रिकॉर्ड किया था अपने, वो भी बता रहे थे कि उन्होंने अपने पूरा का पूरा ब्लॉग जो है ना अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, पूरी वीडियो उनकी खुद की थी। और उनके वीडियो के ऊपर भी स्टार स्पोर्ट्स इंडिया वालों की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आई है। पता नहीं स्टार स्पोर्ट्स इंडिया वाले क्या चाहते हैं हम पाकिस्तानियों से। बाकी फिलहाल देखते हैं अगर जाके क्या इशू होता है, अगर थोड़ा होता है ठीक है। आप लोग वीडियो देखें तो फेसबुक पेज के ऊपर जाके आप इजीली देख सकते हैं, बड़ी ही मज़े की वीडियो। अभी चलते हैं ऐसा ऐसा कहने जब इस वक्त मैं खड़ा हूँ दरिया रावी के पुल के ऊपर, और दरिया रावी में तो पानी ना होने के बराबर ही आप कह सकते हैं, क्योंकि सामने चेक करेंगे पानी का बहाव पीछे की तरफ है, पीछे को पानी जा रहा है, आगे को नहीं आ रहा, इतना पानी नहीं है। और वो सामने देखे भैंस जो है ना दरिया रावी के अंदर, ये अंदर जो है ना घास वगैरह चल रही है। और अभी इस वक्त दरिया रावी के पुल के ऊपर यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। वैसे तो अल्लाह माफ़ करे जी, सैलाब के बहुत ही ज़्यादा खदशात हैं, लेकिन इस साइड पर पानी जो है ना वो अभी तक तो नहीं आया है, मज़ीद अगर आने वाले दिनों में आ जाए तो पता नहीं, पानी है ना होने के बराबर हम इसको कह सकते हैं, बहुत ही बहुत कम पानी है, हल्का हल्का तो पानी चेक करिए, इस साइड पे है ही नहीं। और ये यहाँ यहाँ पे इस साइड पे है थोड़ा थोड़ा, जैसे इस पुल के ऊपर से कोई हावी है, ये देखो ट्रक वगैरह है ना सारे का सारा पुल ऐसे ऐसे मैं पकड़ के खड़ा हुआ हूँ यार, पूरा फील होता है, ऐसे फील होता है जैसे पुल ऐसे ऐसे हिल रहा है और अभी गिर जाएगा।
वेट बहुत ज़्यादा होता है ना इनके ऊपर से, ट्रकों के ऊपर जब ये इनके ऊपर से गुजरते हैं तो हाई वेट की वजह से पुल थोड़ा सा ऐसे ऐसे जैसे हल्का हल्का नहीं काफ़ी ज़्यादा हिलता है, और पुल भी आप देख सकते हैं एक्सपायर हुआ हुआ पड़ा है साइड पे, ये दूसरी साइड पे देख सकता हूँ इस साइड पे थोड़ा सा पानी है ज़्यादा है, ये चेक कर सामने की साइड पे पानी काफ़ी है, इस साइड पे कम है लेकिन ये साइड पे है वो हो जाकर इधर से पानी का भाव है ना, ये पानी जा रहा है आगे की तरफ उस साइड पे पानी है वो टोटली एंड तक नज़र भी आ रहा है पानी काफ़ी ज़्यादा है। तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से दरिया रावी के ऊपर, मैंने कहा कुछ चेंज आपको दरिया रावी के दिखा दिया जाए, अपनी बाइक यहाँ पर लगी हुई है आगे आगे, इसके बाद आएगा जी उकाड़ा उकाड़ा तो देन आगे पत्तों की, अभी तकरीबन 50 तो घंटा एक लग जाएगा मुझे पत्तों की पहुँचते पहुँचते, बस तो और भी सीन आएंगे काफ़ी मज़े मज़े के आप लोगों के साथ करेंगे जी शेयर, बस अभी निकलते हैं यहाँ से दरिया रावी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ये पुल गिर जाएगा अभी इसी वक्त, इससे पहले कि गिरे हम निकलते हैं इसके ऊपर, ये सारा जो इलाका देख रहे हैं सारा उकाड़ा सिटी से होते हुए मैं निकल रहा हूँ आगे, उकाड़ा से आगे निकल रहा हूँ आगे आएगी जी अरनाला सिटी, अभी मैंने अपनी बाइक को किया हुआ क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दिया है इसका, आपने ये क्रूज़ कंट्रोल बड़ी बड़ी महंगी महंगी बाइक्स में ही देखा होगा लेकिन हमने देसी जुगाड़ लगा के क्रूज़ कंट्रोल लगाया और देखेंगे कब तक चलता है, मेरा तो ख्याल है काफ़ी लंबा चल जाएगा क्योंकि मुझे हाथ से छोड़ के मैं ईज़िली चला सकता हूँ, अभी देख सकते हैं आप फुली तौर पे हैंडल को मैंने छोड़ दिया और इसको इस लकड़ी की मदद से ना बांध दिया, इससे क्या हाथों में दर्द होना शुरू हो चुका था, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं वापस घर आ चुका था और आके मैं थोड़ी सी थकावट हो गई इसकी वजह से सो गया, सो के और अभी उठाऊँ उठ के मैंने उस वीडियो का जो लिंक था वो मैंने कॉपी किया और यूट्यूब की टीम से मैंने कांटेक्ट करके उनको चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि आप ग्राउंड की जो वीडियो है वो नहीं अपलोड कर सकते यानी कि मैच की वीडियो आप नहीं लगा सकते, तो मैंने वो वीडियो थी ना थोड़ी सी जूम करके यानी कि मैच का वो स्कोर वगैरह दिखा रहा था, तो उस वजह से स्टार स्पोर्ट्स इंडिया वालों का जो है ना कॉपीराइट क्लेम वो हर बंदे को जा रहा है, जो बंदा मैच की वीडियो बना रहा है ना उसको वो दे रहे हैं कॉपीराइट स्ट्राइक जा रही है किसी को, किसी को कॉपीराइट क्लेम जा रहा है, तो खैर वो वीडियो तो मैंने डिलीट कर दिया, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर वो वीडियो मौजूद है, आप जाके इजीली चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ का मौसम चेक करें माशाल्लाह अच्छा मौसम हुआ है, और अभी मैं शानी भाई को कॉल किया तो उन्होंने कहा जी मुझे तो बुखार, मैंने कहा चाहे बाहर कहीं घूम फिर आते हैं, तो अभी मैं यहाँ पर अभी मेरा इरादा है जो वीडियो मैंने आज बनाई है इसको मैं ऑनलाइन एडिट करूँगा यानी कि यूट्यूब के एडिटर से ही एडिट करूंगा ताकि अगर कोई कॉपीराइट क्लेम कोई कॉपीराइट इशू हो तो वहीं वही सॉल्व हो जाए, दोबारा हमारी कोई भी वीडियो डिलीट ना हो, सो यही था आज का अपना व्लॉग, आज का मेरा ये व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा, शायद थोड़ा सा बोरिंग रह गया हो लेकिन जैसा भी हो आपने वो इन्जॉय करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना है, अपने अगले व्लॉग में इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा धमाल और अच्छा व्लॉग होने वाला है, तो आप लोगों को टेंशन लेनी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक लाजमी से करना है, तो सब मैं व्लॉग एडिट करके करता हूँ अपलोड, और बस मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।